नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। इस दौरान वो जनता को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, वो इंदौर में खाने पीने का भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। दरअसल सोमवार को इंदौर में रोड शो करने के बाद राहुल गांधी सड़कों पर घूमने के लिए निकल गए। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के साथ मशहूर 56 दुकान में पहुंचे, जहां उन्होंने खाना खाया और बाद में आइसक्रीम भी खाई। कांग्रेस ने अपने ट्वीट हैंडल पेज पर एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष एक बच्चे को भी आइसक्रीम खिला रहे हैं। वहीं राहुल के आने की खबर सुनते ही वहां भारी भीड़ जमा हो गई। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस दौरान पूछा कि क्या इंदौर के दुकानदारों को गब्बर सिंह टैक्स से फायदा हुआ, तो लोगों ने कहा नहीं। इसके बाद उन्होंने राहुल ने चौकीदार चोर है के नारे भी लगवाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।